गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से और मैं बैठी हूँ और बच्चे उठने की कोशिश कर रहे हैं, कमरे का नल गूंजे हैं और मौसम बारिश के बाद से ना ठंडा ठंडा हो गया दोस्तों। और मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी और अब जाने वाली हूँ मैं किचन में सब्जी काटने के लिए और बच्चों का टिफिन तैयार करते हैं। ले पी गुनगुना पानी, ढंग से बैठ। बच्चों की बहुत गंदी आदत है, पानी नहीं पीते सुबह, ठीक से बैठ, पानी नहीं गिरना चाहिए बिस्तर में। तो कल देर दूर गए थे वहां से आते थे, अभी मस्त लग रहा है, लेकिन आज फिर है तो आज शायद फिर से हस्बैंड जी का प्लान बन रहा है कहीं जाने का, शायद फिर से देहरादून ही जाना है, लेकिन आज मैंने जाना है अपनी जेठजी की तबीयत पूछने, मतलब इनकी दीदी। तो फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और फ़ोन पे नहीं है बैटरी, फटाफट बनाते हैं नाश्ता उसके बाद निकल जाएंगे ठंडे ठंडे में, फिर हो जाती कड़कके वाली धूप। तो चलिए फ़ोन चार्ज पर लगाते हैं और नाश्ता बनाते हैं। गर्मी हो रही है, नींद आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब लेनी मैंने सब्जी और बिंदी का पत्ता लेना था, यहाँ बिंदी नहीं मिली, मैंने लगा रखी है सिंदूर की बिंदी आज, आगे देखती हूँ शाम को जाना कीर्तन। तो मैं फाइनली आ गई हूँ घर पे और आज भगवान की कृपा से मेरा सिर दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मैं खाना क्योंकि कल मैं कुछ खा के नहीं गई थी ना, इसलिए आज मैं 2 रोटी खा के गई थी भिंडी की सब्जी में, 5:30 बजे उठी थी। और हम आ भी गए हैं, टाइम हो रहा है 12, बाहर बहुत धूप पड़ रही है, सुबह गए थे हम तो सुबह मस्त हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो चलो अब चेंज वगैरह करते हैं, उसके बाद मैंने वहाँ जाना है कीर्तन में और बनाते हैं खाना, है ना, है ना दगड़ी। बर्तन भी ला रखे हुए धोने के लिए, ये है मेरे जूठे बर्तन जिनको छोड़ के मैं चली गई थी, और ये है मेरे चाय का पतीला जिसको भी मैं छोड़ के चली गई थी। चलो कोई नहीं, अपने घर में आगे रिलैक्स हो गया, अब सब काम निपट गया। आते जगाए ये शमा है से, एकदम साफ हो जाता है ना। तो मैं लेने गई थी बिंदी मिली नहीं, अब मैं फालतू की ये आइटम उठा के ला गई। तो ये लेने गई थी बिंदी, लेके आई मैं वाइपर और मैं चक्की लेके भी उठ गई हूँ, शक्ल देख के लग ही रहा होगा। तो मैं सो गई थी 1 बजे और मैं अभी उठी 2 बजे, मैंने चढ़ा दी दाल और चढ़ाने वाली हूँ चावल। तो बच्चों के आते आते बन जाएगा दाल और भात। Thank you.
कीर्तन वगैरह निपटा के मैं आ गई हूँ घर पे और चाय पकौड़ी खा के भी आ गए हैं। पेट तो अभी फिलहाल भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में जाएंगे हम शादी में। आज है न्यू ईयर और मेहंदी अभी हो रहा है 7:45। हाँ, मुझे तो नींद आ रही है और अभी जाना है हमने न्यू ईयर में। गाइस क्या कुछ टाइम तो 9 बजने वाले, 9 बज चुके हैं तो अच्छी तो तैयारी होती है और चलते हैं। पूछ क्या रहते हैं, आज मैं डांस नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ हस्बैंड। तो क्या करें, हमारे अंदर स्वाभाविक है जब गाना बजता है तो हम नाचते हैं। मैं माइके की तरफ से सब ऐसे ही हैं, नाचने के लिए सब खुश रहते हैं, आपस में नाचते हैं गाते हैं मस्ती करते हैं। और ठीक है, जिसको नहीं पसंद उसके सामने मैं ऐसी रहती हूँ और जिसको पसंद है तो वैसे मैं नाचती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं नाचूंगी। शादी से पहले भी डीजे लगा देते थे और हम छत में, मैं मम्मी पापा मतलब सब भाई बहन ग्रुप में डांस करते थे, हम खुद ही एंजॉय करते थे। तो बहुत आज भी याद आता है वो दिन जब भाई बहनों के साथ, मेरे पापा ने ना मतलब पहले से उनको काफ़ी शौक है घर में गाने बजते रहें और हम मस्ती के साथ काम करते रहें, तो वो हमेशा सुबह के टाइम पर थोड़ा भजन लगा देते थे और रात को तो जब तक सब्जी बनती थी ना तो पक्का हम नाचते थे और मेरी मम्मी को आप भी हाथ खींच के ले जाते थे और हम डांस करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। उसके बाद खाना पीना खा के सो जाते थे, तो कुछ ऐसा दिन हमारा ख़त्म होता था। और तो वही आदत है, हम सब भाई बहन ऐसे ही हैं, नाचते हैं इन्जॉय करते हैं और इतनी सी लाइफ है उसको इन्जॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे गाइस। पार्टी वार्टी खा के और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, बच्चे उधर लेट गए हैं पापा के साथ और मैं धो रही हूँ मुँह। तो मैंने सुबह से फेस वॉश से मुँह नहीं धोया है और जो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया। मतलब कि मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड नाचने नहीं देते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा जा नाच ले नाच ले बोल। तो मैं चली गई नाचने, पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा मुझे तेरा डांस देखना है। मैंने कहा चलो देख लो, तो खूब नाचे, इतना नाचे कि गर्मी हो रही है अभी भी। और सोते हैं, आराम करते हैं और बच्चों की पड़ गई छुट्टियाँ, बस घर में मचा रहेगा तहलका। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड और बाकी मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में हल्दी के साथ और बारात के साथ। आप इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहेगा। ओके टाटा बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय।